Hello everyone, welcome to Siddhachalam Laboratory. Today we will discuss about viscometer, जिससे कि हम किसी भी fluid का viscosity measure करेंगे. Viscosity is a measure of a fluid's resistance to flow or its thickness. ये है viscometer, जिसमें ये cup दिया हुआ है, B4 cup, जिसकी capacity है 100 ml. इसमें हम किसी भी fluid like oil, water, वाटर की विस्कोसिटी सबसे कम होती है बाकी के कंपैरिजन में, क्योंकि वो थिक नहीं होता है. थिकनेस में आपका पेंट, ऑयल, इन सब की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है वाटर के कंपैरिजन में. हम आपको कंपैरेटिव विस्कोसिटी मेजर करना बताएंगे, सबसे पहले वाटर का, देन ऑयल का, जिससे आपको समझ में आएगा कि विस्कोसिटी वाटर की कम होती है और किसी भी थिक लिक्विड की ज़्यादा होती है. जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम बीकर रखेंगे, इसमें हम वाटर फील करेंगे. जिसकी भी विस्कोसिटी हमें मेजर करनी है वो यहाँ पे हम फील करेंगे. इसका वॉल्यूम है 100 ml. इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें वाटर बबल नहीं आना चाहिए, अदरवाइज आपकी विस्कोसिटी करेक्ट मेजर नहीं हो पाएगी. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे किसी भी कवर डिस्क का यूज़ करेंगे, ताकि यहाँ पे आपको वाटर बबल बिल्कुल भी विजिबल नहीं होना चाहिए. जैसे ही ये ग्लास आप यहाँ से रिमूव करेंगे, आपका काउंटडाउन स्टार्ट होना चाहिए. टाइमर भी हम साथ साथ में यूज़ करेंगे. कैसे कैलकुलेशन करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको एक साथ ही बताते जाएंगे. जैसे ही हम कवर को रिमूव करेंगे, हम क्लॉक स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे. यहाँ पे आप देख रहे हो सेकंड है 11.81 seconds. अब इसी से हम इसकी विस्कोसिटी कैलकुलेट करेंगे. जो भी आपके स्टॉप वॉच की सेकंड की रीडिंग आई है, इस ऐप के थ्रू आप इसका विस्कोमीटर विस्कोसिटी निकाल सकते हैं. ये है आपका एल्कोकैल्क. यहाँ पे कप के ऑप्शंस हैं. हमने यहाँ पे B4 कप यूज़ किया था. आप अगर दूसरा कप यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे वो डालेंगे. हमने B4 कप यूज़ किया था. हमारा जो टाइमिंग आया है वो आया है 11.81. तो आप यहाँ पे देख सकते हो विस्कोसिटी 3.820 है, जिसकी यूनिट है सेंटीस्टोक्स. अब हम यहाँ पे ऑयल का यूज़ करेंगे, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि विस्कोसिटी ऑयल की ज़्यादा होती है कंपेयर टू वाटर. सेम हमने इसमें ऑयल डाल लिया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एयर बबल नहीं है. स्टॉप वॉच रेडी है. वापस से जैसे ही ग्लास हम यहाँ से रिमूव करेंगे, स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे. आप यहाँ पे देख सकते हो 22.15, और यहीं पे वाटर का आया था 11.81. जस्ट 50% हाफ है उसका. हमने जो भी ऑयल यूज़ किया उसका टाइम यहाँ पे आया है 22.15. यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी विस्कोसिटी है 47.059, और वहीं पे वाटर की थी 3.820 सेंटीस्टोक्स. आई होप आपको विस्कोमीटर कैसे यूज़ करते हैं ये समझ में आया होगा. और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.